राष्ट्रीय जनता दलातून तेजप्रताप बाहेर पडले असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. मात्र लालू राबडी मोर्चाच्या उमेदवारांपेक्षा ते राजदच्या सदस्यांमध्ये अधिक दिसतात. आज राजदच्या पाटलीपुत्रमधील उमेदवार आणि तेजप्रताप यांची बहीण मिसा भारतींचा प्रचार त्यांनी केलाय. तेजप्रताप हे त्यांच्या मनोरंजक शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. अशीच प्रचाराची स्टाईल आज त्यांनी दाखवली. बुलेटवरून ते हेल्मेट घालून प्रचारासाठी रवाना झाले. आप लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं. क्या आज का क्या क्या रहेगा, कैसे? आज फुलवाड़ी में रोड शो है. अपनी बड़ी बहन मिसा भारती जी के लिए हम रोड शो करने का काम किया और वहाँ के लोगों का डिमांड भी था रोड शो करना. समय हो गया है, लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं और यहाँ बाइक स्टार्ट होगा. कल भी आप थे उनकी सभा में राहुल गांधी के, लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं मिल पाया. हाँ, नहीं मिल पाया मौका, फिर मिलेगा मौका. कहीं ना कहीं युवाओं को चाहिए था, आप तो गए थे अपनी बहन के लिए वहाँ. कहीं ना कहीं युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवा को कोई दबा नहीं सकता है, कोई उसको मिटा नहीं सकता है. युवा अपने जगह पर रहता है, जहां जाता है लहर की तरह जाता है. आखिर क्यों ऐसा हुआ, जबकि आप गए थे समय से पहले पहुंचे थे वहां, लेकिन वहां आप रहते हुए भी आपको मौका नहीं मिला, कि ऐसा क्यों हुआ? क्या नहीं, वहां से नहीं बंद होगा लाइट? लाइट आगे जल रहा है ना, जलेगा लगातार, अभी नया नियम आ गया है ना. अच्छा, आप तो गए थे समय से गए थे, अगर चाहते लोग तो आपको भरपूर समय था आपके पास, सबसे बुलवाया गया, आपसे सिर्फ नहीं बुलवाया ना. वो लोग जान रहे हैं ना कि किस तरीके से लोकप्रियता नहीं. राहुल गांधी हमसे बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी भी हमको बोले थे कि आप तेज प्रताप ये स्पीच दीजिए, हम भी सुनना चाहते हैं आपके स्पीच को. कहाँ गैपिंग रह गया आखिर, क्यों इतना होने के बावजूद भी? अब कहाँ क्या गैपिंग रह गया, वहाँ वो लोग बताएंगे ना, नेता लोग बताएंगे आखिर क्या हो रहा है. नौजवानों को क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा, जब नौजवान का मौका आता है तो उसको दाब दिया जाता है.